जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में डीएम विजय किरण आनंद ने निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करते हुए निर्धारित लक्ष्य 100% पूरा किया जाए। डीएम ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर बल देते हुए कहा कि निर्माण कार्य मानक के अनुरूप होने चाहिए। अमृत योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम नगर की बिना अनुमति अनुपस्थिति पर नाराजगी प्रकट करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। पेयजल की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि पेयजल योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण किया जाए तथा जल की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित हो ताकि सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद स्तरीय अधिकारी तहसील ब्लॉक एवं गाँव का निरंतर भ्रमण करे तथा जहाँ जो कमियां दिखाई दे उसे अविलंब ठीक कराए तथा अपने अधीनस्थ ब्लॉक स्तरीय व ग्राम स्तरीय कार्यालयों व कर्मियों के कार्यों का निरीक्षण रिपोर्ट समय से प्रस्तुत करें और अपने विभागीय लक्ष्य के अतिरिक्त सभी अधिकारी कुछ दीर्घकालीन प्लान भी तैयार करें। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी अपनी विभागीय योजनाओं के तहत जो भी कार्य करा रहे हैं उसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों को भी अवश्य दे तथा कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कोविड टीकाकरण, धान खरीद, उर्वरक वितरण, सड़क, विद्युत आपूर्ति आदि जन समस्याओं से जुड़े कार्यों को अधिकारीगण प्रमुखता के आधार पर तथा समयबद्ध ढंग से पूर्ण करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सिंचाई के लिए कब चाहिए पड़ेगा? इरिगेशन के समय कब जरूरत पड़ेगी पानी? दिसंबर के बाद ना, नवंबर में नहीं। पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड, इसमें तो ये है ना, ठीक है, तो ये छोड़ दीजिए। तो जैसे देवेश मित्र ऊर्जा 7.2 है, 7.2 कोई मार्च से भी आम नहीं जाता नहीं। पारा चला गया, मैं दोबारा सही कहूँगा।